अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन आयशा नासर और जैसा मैंने वादा किया था कि यूरिक एसिड पे एक वीडियो बनाऊंगी। स्पेसिफिकली मर्द हजरात बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं कि यूरिक एसिड के लिए डाइट बता दें, सो आज यूरिक एसिड के लिए वीडियो जो है मैं बना रही हूँ। यूरिक एसिड क्यों होता है, क्या हमने इसमें डाइट रखनी है, हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, क्या इसकी वजूहत होती हैं, ये सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। यूरिक एसिड बेसिकली एक वेस्ट है जो कि हमारी डाइट में मौजूद प्यूरिन्स का वेस्ट होता है। अगर ये वेस्ट बॉडी से ना निकले, किडनी ने इसको निकालना होता है, अगर बॉडी से ये वेस्ट ना निकले तो ये बॉडी में जमा होता रहता है और गाउट की शक्ल इख्तियार कर सकता है। अब गाउट क्या है, यूरिक एसिड जब ज़्यादा होता है तो आपने नोट किया होगा आपको दर्दें शुरू हो जाती हैं, स्पेसिफिकली जॉइंट्स पे बहुत ज़्यादा पेन होना शुरू हो जाती है। बेसिकली वहाँ पे गाउट जो कि क्रिस्टल्स की फॉर्म में होता है, गाउट जमा हो रहा होता है। अब गाउट बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, गाउट का सिर्फ एक ही इलाज है कि आप यूरिक एसिड को नीचे लेकर आएँ या कुछ मेडिकेशन पर चले जाएँ। डॉक्टर्स मेडिकेशन भी प्रिस्क्राइब करते हैं, अगर यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो ज़ाहिर आपको मेडिकेशन करनी है। फिर आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि डाइट करेगी, क्योंकि डाइट आपका यूरिक एसिड आहिस्ता आहिस्ता नीचे लेकर आएगी, उतनी देर आप बहुत तकलीफ में रहेंगे। सो बेहतर यह है कि आप डाइट एंड मेडिसिन को, अगर यूरिक एसिड बहुत बढ़ गया तो डाइट एंड मेडिसिन को पैरेलल लेके चलें। अगर आपका यूरिक एसिड 7 से 8 के दरमियान में है तो आप इसको डाइट से मैनेज कर सकते हैं, लेकिन अगर दर्द बहुत ज़्यादा है और आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही, कुछ लोगों को 7.2, 7.3 पे बहुत ज़्यादा पेन फील हो रही होती है, कुछ 9.2 पे भी जाके तो दवाई नहीं ले रहे होते। सो ये डिपेंड करता है कि आपका पेन थ्रेशोल्ड है कि आप कितनी दर्द बर्दाश्त कर सकते हैं। 7.2 पे अगर आपको 7.2 तक है अगर आपका यूरिक एसिड, 7 to 8 में यूजली वो डाइट से मैनेज हो जाता है, उसके साथ इतनी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आपको डॉक्टर ने दवाई कहा है तो आपने दवाई भी लेनी है और आपने डाइट प्लान को भी बैलेंस करना है। दवाई भी ज़रूरी है कि दवाई जो है वो पहले से मौजूद यूरिक एसिड को फ्लश आउट करेगी और डाइट मजीद बनने से रोकेगी। अब हम बात कर लेते हैं कि डाइट में हमें यूरिक एसिड के पेशेंट को लेना क्या है। सबसे पहली चीज़ जो डाइट से निकालनी है वो है बड़ा और छोटा गोश्त, यानी कि मटन और बीफ आपने डाइट से मुकम्मल निकाल देना है, क्योंकि इसमें प्यूरिन ज़्यादा है। अगर आपकी बॉडी किसी भी वजह से, जैसे अगर वज़न ज़्यादा हो गया, किडनी जो है वो सही तरीके से यूरिक एसिड को फ्लश आउट नहीं कर पाती, अगर डायबिटीज़ की कोई मेडिकेशन ऐसी शुरू हुई है या डायबिटीज़ वैसे है तो यूरिक एसिड यूजली बढ़ जाता होता है। सो अगर यूरिक एसिड आपका बढ़ गया है तो आपने कोशिश ये करनी है बड़ा गोश्त छोटा गोश्त यानी मटन या बीफ का इस्तेमाल तो उसी वक्त रोक दिया जाए। इसके अलावा दालों का इस्तेमाल भी मुकम्मल तौर पर उसी वक्त रोक देना है। फिर आता है लोबिया, लाल लोबिया, काले चने, इनका इस्तेमाल भी रोक देना है। इवन सफ़ेद चना का इस्तेमाल या लोबिया का इस्तेमाल जो है वो मुकम्मल तौर पर रोक देना है। इनमें प्यूरिन ज़्यादा हैं, वो फिर ज़ाहिर है यूरिक एसिड ज़्यादा बनेगा और वो फ्लश आउट नहीं हो पा रहा। सो पहली चीज़ गोश्त का इस्तेमाल, दूसरी चीज़ आती है दालों का इस्तेमाल, और तीसरी चीज़ हमारे पास आई थी लोबिया या चने, जो कि दालों की कैटेगरी में आ जाते हैं, लेकिन मैंने फिर भी इसलिए बहुत ज़्यादा उन्हें प्रोमिनेंट कर दिया है क्योंकि जब क्लाइंट आते हैं उन्हें मना करो कि आपने दाल नहीं खाने, तो वो अक्सर लोबिया का या चनों का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और वो ये समझते हैं कि चने और लोबिया दाल में नहीं आते, इसलिए मैं उसको अलहदा से बता रही हूँ ताकि आपसे ये गलती ना हो सके। ये तीन चीज़ें आपने डाइट से निकाल देनी है। अब इसको रिप्लेस किस चीज़ से करना है, अगर आप प्रोटीन यानी कि गोश्त वगैरह इस्तेमाल नहीं कर रहे, बड़ा गोश्त छोटा गोश्त इस्तेमाल नहीं कर रहे, आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं। आप हफ्ते में 2 दफ़ा चिकन का या फ़िश का इस्तेमाल कर लें। चिकन इज़ अ सेफ़ ऑप्शन, चिकन बहुत सेफेस्ट ऑप्शन है यूरिक एसिड के पेशेंट के लिए, उससे क्योंकि दालें भी नहीं ले रहे, बड़ा गोश्त भी नहीं ले रहे, तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो सकती है, विटामिन बी की डेफिशिएंसी हो सकती है। इस केस में फिर ज़रूरी है कि आप उसको रिप्लेस कर लें चिकन के साथ, चिकन का या फ़िश का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सी फूड हमारे पास जितनी आती है, अगर आप प्रॉन्स खा सकते हैं, ऑयस्टर्स खा सकते हैं, तो सी फूड जितनी आती है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपने बड़ा गोश्त छोटा गोश्त ये 2 चीज़ें नहीं खानी या दालें नहीं खानी। सो आप उसको प्रोटीन इनटेक को रिप्लेस कर सकते हैं विद सी फूड या विद चिकन। इसके अलावा मोरिंगा बहुत अच्छा सोर्स है, 25% प्रोटीन उसके अंदर भी मौजूद है, आप उसके साथ भी रिप्लेस कर सकते हैं अपने प्रोटीन इनटेक को। अगली चीज़ जो आपने देखनी है वो ये देखनी है कि दूध और दही का इस्तेमाल बैलेंस में लेना है। बहुत ज़्यादा दूध या बहुत ज़्यादा दही इस्तेमाल नहीं करना। दूध अगर आपने इस्तेमाल करना है, दिन में 2 ग्लास से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। दही इस्तेमाल करना है तो दिन में 2 कप से ज़्यादा यूरिक एसिड का पेशेंट इस्तेमाल ना करें। अब इसमें हमने लेवल देखना होता है, कुछ लोगों को 1 ग्लास दूध के बाद ही अगर मज़ीद दूध इंट्रोड्यूस कराया जाए तो उन्हें दर्द शुरू हो जाती है। अगर ऐसा है तो फिर आप सिर्फ 1 ग्लास दूध लें या 1 कप दही लें, उससे ज़्यादा दूध दही का भी इस्तेमाल ना करें। डेयरी भी
थोड़ा सा यूरिक एसिड को बढ़ा सकती है, दो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाती लेकिन बढ़ा सकती है। सो दूध और दही का इस्तेमाल जो है वो आपने 2 servings यानी कि 2 cup दही हो गया या 2 glass दूध हो गया इस पर रिस्ट्रिक्ट कर देना है। तीसरी चीज़ आती है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पालक का इस्तेमाल जो है, बंद गोभी का इस्तेमाल जो है इसमें आपने रिस्ट्रिक्ट कर देना है। पालक और बंद गोभी या हरे पत्ते वाली कोई सब्ज़ी, सलाद के पत्ते हो गए, हरे पत्ते वाली कोई सब्ज़ी आपने यूरिक एसिड में इस्तेमाल नहीं करनी। टमाटर यूरिक एसिड को बढ़ा सकते हैं, टमाटर का इस्तेमाल नहीं करना। अब ख़वातीन ये कहती हैं कि हम जो मर्ज़ी कर लें हम तो टमाटर नहीं निकाल सकते, हांडी में तो टमाटर डलना ही डलना है। हांडी में जो टमाटर डलना है चलें आप उतना डाल लें, वो भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, बस इतना इस्तेमाल करें कि एक फ़्लेवर आ जाए, एक्सेस में इस्तेमाल ना करें। लेकिन अगर बेहतर ये है कि आप उसकी जगह पर दही बेहतर ऑप्शन है, टमाटर की जगह पर दही बेहतर ऑप्शन है, आप थोड़ा सा दही डाल लें। दही भी ये नहीं कि अब आपने किलो डाल देना है उसके अंदर, कंट्रोल्ड क्वांटिटी में आप दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, दही खाने में डालें बनिस्बत कि आप टमाटर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगेन टमाटर दही दोनों कंट्रोल्ड क्वांटिटी में होने चाहिए। टमाटर भी आप डाल सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा भर भर के या प्यूरी बना बना के उसका इस्तेमाल नहीं करना। अगली जो चीज़ आती है वो आती है हर वो चीज़ जो गैस बनाती है, जैसे कि चावल हो गए, अगेन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गई, हर वो चीज़, दालें भी बहुत कुछ लोगों को प्रॉब्लम करती हैं, लोबिया वगैरह भी बहुत प्रॉब्लम करता है। एक सिंपल सी अगर मैं ट्रिक बताऊँ तो हर वो चीज़ जो गैस करती है वो यूरिक एसिड का प्रॉब्लम ट्रिगर कर सकती है, वो यूरिक एसिड का प्रॉब्लम जो है बढ़ा सकती है। अब हमने मज़ीद क्या चीज़ें लेकर आनी है जो यूरिक एसिड को बेहतर करेंगी। जौ का दलिया बहुत अच्छा है, जौ का दलिया का इस्तेमाल करें नाश्ते में। इसके अलावा पानी का इस्तेमाल 8 glass ज़रूरी है और विटामिन सी बहुत ज़रूरी है। अब हम इसको थोड़ा सा मज़ीद एलैबोरेट कर लेते हैं। नाश्ते में जौ का दलिया पानी में पका कर लेना है, उसको दूध में पका कर नहीं लेना। जब वो पक जाएगा चूल्हे से उतारने के बाद आप उसमें 1/2 से 1 cup दूध शामिल कर सकते हैं। लेकिन अगेन अगर आपने 1 cup दूध नाश्ते में ले लिया फिर आप ट्राई करें पूरे दिन में उसको बैलेंस कर लें। ये नहीं कि नाश्ते में 1 cup दूध है उसके बाद 2 glass दूध आपने अलग-अलग पी लेना है, टोटल आपने 2 glass दूध पीना है। जौ के दलिए में आप 1 glass दूध डाल सकते हैं लेकिन फिर आपने बाकी उसको पूरे दिन में रिस्ट्रिक्ट कर लेना है। अगली जो चीज़ आती है वो आती है वाटर का इनटेक। वाटर का इनटेक इसलिए ज़रूरी है, यूरिक एसिड को फ्लश आउट होते हुए बॉडी से निकलते हुए वाटर की ज़रूरत है। जितना आप पानी पियेंगे उतना यूरिक एसिड फ्लश आउट होगा। लोग डाइट भी बिल्कुल सही कर लेते हैं, दवाइयों का इस्तेमाल भी सही कर लेते हैं लेकिन वो पानी का इस्तेमाल सही नहीं करते। पानी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 glass पी लेते हैं, 3 glass पी लेते हैं, उससे होता क्या, यूरिक एसिड फ्लश आउट कैसे होगा। आप चाहे जितनी मर्जी डाइट कर लें उससे मज़ीद यूरिक एसिड नहीं बनेगा, लेकिन जो पहले से यूरिक एसिड गाउट की फॉर्म में जमा हुआ हुआ है वो फ्लश आउट होने के लिए पानी चाहिए। सो पानी का इस्तेमाल 8 से 10 glass ज़रूर रखें। विटामिन सी बहुत अच्छा सोर्स है, विटामिन सी हेल्प करता है यूरिक एसिड को फ्लश आउट कराने में, मज़ीद बेहतर कर देता है सिस्टम को। सो पानी के अंदर आप लीमू का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप वैसे विटामिन सी हमारे पास आजकल बहुत ज़्यादा रिच सोर्सेज विटामिन सी के मौजूद हैं, मैं अपनी वीडियोस में भी बताती रहती हूँ। मैंगो बहुत अच्छा सोर्स है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगेन मेडिकल हिस्ट्री पे डिपेंड करता है, पीच अगर किसी को शुगर है ज़ाहिर है वो मैंगो का इस्तेमाल नहीं कर सकता, बाकी आप मैंगो का इस्तेमाल कर सकते हैं। पीच बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन सी का, आप पीच का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विटामिन सी रिच लें। कैप्सिकम बहुत अच्छा सोर्स है, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। नींबू पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है, ये सारा कुछ विटामिन सी को फ्लश आउट करेगा। अब अगली इंपॉर्टेंट बात आती है कि अंडरलाइंग कॉज को डायग्नोस करें। अगर आपका यूरिक एसिड इसलिए बढ़ गया है कि आपका लाइफस्टाइल में मटन और बीफ बहुत ज़्यादा है तो इट मींस कि आपकी पूरी फैमिली का बढ़ सकता है। आपके घर में अलग-अलग खाना तो नहीं बन रहा आपके लिए जिसमें मटन एंड बीफ ज़्यादा बन रहा है। पहली चीज़ आती है आपका लाइफस्टाइल जिसमें मटन एंड बीफ, लाहौरी स्पेसिफिकली मटन और बीफ के बहुत ज़्यादा फ़ैन होते हैं, मटन और बीफ का ही इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे होते हैं। सो थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करें मटन एंड बीफ। अगर आपको यूरिक एसिड का मसला है जो कि कंट्रोल्ड है तो फिर आपने 15 दिन में एक दफ़ा लेना है, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर आपका यूरिक एसिड कंट्रोल भी नहीं है और मसला भी है तो फिर आपने मटन और बीफ को मुकम्मल तौर पर बंद कर देना है। वैसे एक नॉर्मल बंदा, एक आम आदमी जिसको यूरिक एसिड का मसला नहीं है, वो हफ्ते में 2 दफ़ा मटन या बीफ का इस्तेमाल कर सकता है। So, पहली चीज़ तो यह है कि मटन एंड बीफ को रिस्ट्रिक्ट करें। वजह देखें कि क्या लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा दालें मटन बीफ तो नहीं था जिसकी वजह से यूरिक एसिड बढ़ा है, या रोज़ खाना जो है वो गोश्त के साथ तो नहीं थे खाते जिसकी वजह से यूरिक एसिड बढ़ा है। दूसरा आता है बाहर के खानों का और स्पेसिफिकली ओवरवेट होना, बाहर के खानों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना और ओवरवेट होना। अगर बाहर के खाने आप ज़्यादा खाते हैं ज़ाहिर है उसके अंदर भी मटन बीफ भी ज़्यादा आ जाता है, उसके अंदर प्यूरिन्स भी ज़्यादा आ जाते हैं जिसकी वजह से आपका यूरिक एसिड बढ़ना शुरू हो जाता है। बाहर के खानों को मुकम्मल तौर पर
बंद कर दें। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो अपने वज़न को नीचे लेकर आएं, क्योंकि देखें तकलीफ़ में रहना या यूरिक एसिड की बस दवाइयाँ लेते रहना ये कोई अच्छी ऑप्शन नहीं है। सो कोशिश करें कि अपने वज़न को मैनेज करें, जो रूलिंग कॉज है अगर वज़न है तो उसको नीचे लेकर आएँ, वज़न को मॉनिटर करें। वेट लॉस के साथ आपका ये मसला काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। तीसरा है डायबिटीज़, अगर डायबिटीज़ मसला है तो डायबिटीज़ को भी कोशिश करें मैनेज। देखें शुगर अगर किसी को हो गई, ये बिल्कुल गलत बात है, शुगर रिवर्स कर लें, शुगर रिवर्स नहीं होती। शुगर अगर किसी को हो गई है वो आप मैनेज ही कर सकते हैं अच्छे तरीके से, कि वो शुगर कभी आपकी दोबारा बढ़े ना। सो अपनी शुगर मैनेज रखें। बहुत ज़्यादा दवाइयाँ अगर आप लेंगे तो वो यूरिक एसिड को बढ़ा सकती हैं, कोशिश करें दवाइयों पे ना जाना पड़े, शुगर को वैसे ही अपनी डाइट के साथ मैनेज करें। थैंक यू सो मच।